नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और कुंडली और उन्हीं के ही पाम का। इनकी एज है 23 इयर्स ओल्ड और ये मेल पर्सन है और इनका क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और जीवन में रिलेशनशिप कब बनेगा, शादी के कब योग हैं, ओवरऑल लाइफ कैसी बीतेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि उनकी कुंडली क्या बताती है। तो सबसे पहले जब हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो देखिए लगन में ही नीच राशि के सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य नीच राशि में है तो देखिए क्या होता है कि पिता का डोमिनेंसी फेस करनी पड़ती है, यानी कि पिता से दूरी, मतभेद या पिता का दबाव बहुत ज़्यादा होता है जीवन में। पिता बहुत, जैसे पिता का गुस्सा सहन करना, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। और जब नीच राशि का सूर्य हो, देखिए सूर्य ही गवर्नमेंट जॉब का कारक होता है, वही नीच राशि में है तो गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कई बार होता है कि इंसान प्रेशर में आके, दबाव में आके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने बैठ जाता है। अब यहाँ पर इनकी एक चीज़ और बताएंगे कि ये देखिए साढ़े साथी भी चल रही है। साढ़े साथी का टॉपिक अभी हम लेके चलेंगे, पहले हम थोड़ा कुंडली के ऊपर भी देखते हैं कि कुंडली क्या कहती है। तो यहाँ पर जो लगन का स्वामी है शुक्र है, शुक्र बैठे इनकम भाव में। अब देखिए इनकम इनकी अच्छी रहने वाली है, पैसे की दिक्कत ना इनको रही होगी ना आगे भी नहीं रहेगी पैसे की दिक्कत इनको। और शुक्र जब ग्यारहवें भाव में बैठता है तो तरह तरह से इनकम भी कराता है, शुक्र के साथ मंगल भी बैठे हुए हैं तो इनकम की प्रॉब्लम नहीं होगी इनको। अब यहाँ पर लगन से तो इनको काफ़ी हेल्प मिल गई। अब अगर हम चलें यहाँ पर, गुरु इनकी अपनी राशि में है, गुरु अपनी राशि में थर्ड भाव में है तो ऐसे में इंसान पराक्रमी होता है, साहसी होता है, कभी किसी तरह के प्रॉब्लम को देख के हिम्मत नहीं हारता। अब ये देखिए आठ नंबर यानी दूसरे भाव का स्वामी अगर हम देखें तो मंगल है, मंगल ग्यारहवें घर में बैठा है और सातवें घर का स्वामी भी है। ऐसे में क्या होता है, इंसान को रुपए पैसे से, ज़मीन जायदाद से एक सॉलिड पोजीशन होती है, एक अच्छे सॉलिड कुनबे में जन्म लेता है और इनकम के स्थान पर बैठा है तो इनकम भी जीवन में बढ़िया करवाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इनकी कुंडली में है। दूसरी चीज़, अब हम चौथे भाव पे आते हैं। चंद्रमा देखिए 10 नंबर पर बैठा हुआ है और साढ़े साथी भी चल रही है तो थोड़ा सा ये चिंता का विषय है, अभी इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और 10वें घर 10 नंबर का जो लॉर्ड है शनि, शनि बैठा हुआ है यहाँ पर छठे भाव पे तो थोड़ा सा ये, और ये गुरु की राशि में तो ये थोड़ा सा चीज़ों को दिक्कत देता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कराने में परेशानी भी देता है। यहाँ पर देखें तो ये भी शनि की राशि है, शनि चौथे भाव की भी राशि हो गई, पांचवें भाव की भी राशि हो गई, शनि योग कारक होते हुए भी देखिए छठे भाव में बैठा है तो थोड़ा सा ये चीज़ों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने नहीं देता। केतु भी साथ में है तो सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब देखिए छठे भाव का स्वामी जो गुरु है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो पराक्रमी बनाता है। सॉरी, अब ये देखिए सातवें घर का स्वामी मंगल अच्छी जगह प्लेस्ड है तो जान पहचान में शादी होना, लव मैरिज में भी के भी योग बन जाते हैं। अब अगर हम अष्टम भाव की बात करें तो ये देखिए शुक्र, लग्नेश भी शुक्र है, अष्टम भाव का स्वामी भी शुक्र है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे मिलते रहेंगे जीवन में। शुक्र की जब जब अंतरदशा आएगी, प्रथमतरदशा आएगी, जीवन में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी मिलती रहेगी। अब ये देखिए यहाँ पर नवम भाव का स्वामी भाग्येश बुध है, बुध बारहवें घर में उच्च राशि में बैठा है देखिए, तो भाग्य का पूरा साथ मिलना, भाग्य आगे बढ़ के कहना चाहिए कि भाग्य से भी वृद्धि मिलेगी। राहु यहाँ थोड़ा सा तंग कर सकता है, राहु थोड़ा सा हो सकता है कि विचलित करे और दूर दूर घर से रहने को प्रेरित करे, घर से दूर भेजे इनको, यात्राएं जीवन में काफ़ी करवाता है, खर्चे बढ़वाता है, थोड़ा सा ये सब चीज़ें करवाता है राहु तो। लेकिन फिर भी बुध काफ़ी अच्छा है तो बुध का जीवन में इनको काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलेगा। जब जब बुध की अंतरदशा दशा आएगी तो जीवन में खूब ट्रैवलिंग इनके बढ़ेंगी। और यहाँ पर देखिए दसवें घर में, यानी कि जो आप क्या काम करेंगे, क्या आपका जीवन कहना चाहिए प्रोफेशन क्या रहेगा, यह है चार नंबर यानी चंद्रमा। चंद्रमा देखिए यहाँ पर बैठा है चौथे घर में तो ये मल्टीपल चीज़ें कराता है, एक चीज़ तक लिमिटेड नहीं रहता है इंसान। इंसान का चंद्रमा का चंचल होता है मन, चंद्रमा यानी मन, मन होता है चंचल, तो ये आपको बदलवाता रहेगा। यानी कि आपको जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो किसी दूसरे क्षेत्र में नौकरी करना, फिर साथ में कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में भी सोचना, इस तरह की चीज़ें करवाएगा ये। लेकिन अल्टीमेटली एट एंड ऑफ द डे ये होता है कि पैसा अच्छा कमाए इंसान, पैसा कमाना ज़रूरी है तो ये पैसा कमाने के योग जीवन में इनके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पैसे रुपए की दिक्कत इनको नहीं आएगी। अब इनकी आते हैं, बात करते हैं साढ़े साथी। देखिए यहाँ पर साढ़े साथी क्या होती है कि जब चंद्रमा जिस राशि पर बैठता है, चंद्रमा देखिए यहाँ पर 10 नंबर पर बैठा हुआ है तो उससे एक नंबर पहले जब शनि आ जाए गोचर करता हुआ, ट्रांजिट करता हुआ, तो शनि के साढ़े साथी का फर्स्ट फेज शुरू हो जाता है, फिर सेकंड फेज यानी जब चंद्रमा के साथ और चंद्रमा से अगली राशि,
तो यानी कि थर्ड फेज, तो 7.5 साल इस तरह से काउंट करते हैं, ढाई यहाँ ढाई यहाँ ढाई यहाँ, तो 7.5 साल। अब क्या है कि शनि की 7.5 ही इनकी कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी थी, 2 साल से ज़्यादा हो गए। तो उसमें केस में क्या है कि यहाँ पर गुरु के साथ शनि है, तो इंसान अननेसेसरी जो भी एफर्ट्स करता है, अननेसेसरी एफर्ट्स होते हैं, यानी कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे, खूब एग्ज़ाम देते रहे, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको, आप परेशान होते रहेंगे, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिरता रहेगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब देखिए फर्स्ट इसमें तो ये परेशानी आई, सेकंड में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर शनि आया तो ये चतुर्थ भाव में तो माता को भी कष्ट दे सकता है, माता के स्वास्थ्य पर परेशानी आना, सुखों में दिक्कत आना, यानी कि जो आपके सुख सुविधा के साधन है थोड़ा सा उसमें दिक्कत देना, माता के स्वास्थ्य पर परेशानी होना, ये सब चीज़ों को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए चंद्रमा के साथ शनि भी हो गया और ये हमने सेकंड फेज देखा, थर्ड फेज में इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, पंचम भाव में शनि आ चुका होगा, और देखें तो जनवरी से सेकंड फेज, जनवरी एंड से सेकंड फेज इनका शुरू हो जाएगा और 2023 में इनका थर्ड फेज शुरू होगा, तो इनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा, काफ़ी रिलीफ मिलेगा और चीज़ें लाइफ में काफ़ी हद तक सेट हो चुकी होंगी। अब एक बार देखते हैं गुरु का ट्रांसिट, कि गुरु भी गोचर करेंगे 5 नवंबर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो गुरु में अगर हम गुरु की राशि देखें तो गुरु में गुरु का साथ मिलेगा, और जैसे कि अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो वो भी योग अच्छे बनेंगे। गुरु देखता है, गुरु की दो मेन दृष्टि होती हैं, पंचम और नवम, पंचम दृष्टि में ये देखें यहाँ पर गुरु और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो वो भी फुलफिलमेंट होगा, साथ में आप इनकम की सोच रहे हैं तो वो इनकम के योग भी अच्छे बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब गुरु आएगा नेक्स्ट ईयर, तो गुरु हो जाएगा नीच राशि का यहाँ पर, और शनि भी आपका साथ में चल रहा होगा, सेकंड फेज चल रहा होगा, तो ये थोड़ा सा जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम वाला टाइम है, माता को कष्ट होना, माता के ऊपर पैसा खर्च होना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी दिखाई पड़ सकती हैं। तो गुरु की इस तरह से ये देखें, इस तरह से अष्टम भाव पे भी दृष्टि आएगी, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती हैं, अलर्ट रहना चाहिए, गुरु के उपाय करने चाहिए, जैसे कि गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, और शनि की 7.5 के लिए मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, या शनि मंदिर पास में हो तो शनि मंदिर पर हर शनिवार शाम को दिया जलाया करें सरसों के तेल का, उससे भी शनि देव का प्रकोप शांत होता है और शनि देव अपना जैसे कहना चाहिए कि आशीर्वाद देते हैं, अच्छा इफेक्ट मिलता है, तो 7.5 का दुष्प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। अब चलते हैं इनकी दशाओं की ओर, देखें इनकी दशाएँ क्या बताती हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो राहु में राहु का अंतर चल रहा है और राहु इनका 12वें घर में था, तो ऐसे में क्या होता है, खर्चे बढ़ना इंसान के जीवन में, अननेसेसरी चीज़ों का ट्रैवलिंग होना, ये सब चीज़ें बढ़ जाता है, इंसान को डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, कई बार रॉन्ग डिसीजन इंसान पकड़ लेता है। अब देखिए यहाँ पर राहु में राहु का अंतर तो कुछ खास नहीं रहा, राहु में गुरु यानी कि आपने एफर्ट्स करे वो उसका फल नहीं मिल रहा आपको, आपको उसका फल नहीं मिला, आपने अननेसेसरी एफर्ट्स कर डाले। राहु में शनि ये आपको काम जरूर करवाएगा, आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब आपको मिल जाएगी, उसमें आपको तरक्की कहना चाहिए, तरक्की भी है और लेकिन साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जीवन में, एक तरह से इंसान पॉलिश हो जाता है, ये वो समय है। अब राहु में बुध का समय अगर हम देखें तो ये आपके किसी रिलेशनशिप में भी लेके जा सकता है। राहु केतु का अंतर, अगर केतु का अंतर कुछ खास नहीं वर्क करता, इसमें इंसान ऐसा लगता है कि ट्रांसफर होना, शिफ्टिंग होना, ये सब चीज़ें होती हैं। राहु में शुक्र अगर आप शादी करना की सोच रहे हैं तो ये भी 26 के बाद से समय अच्छा रहेगा आपके लिए। एक आपका अगर शादी का समय देखें तो 2024 का समय बहुत अच्छा है, एक 2027 का समय आपके लिए बेटर रहेगा, तो ये दो योग आपके लिए जीवन में अच्छे रहेंगे। अब आते हैं इनकी मेन कुंडली की ओर फिर से। अब देखिए यहाँ पर अगर नवमांश कुंडली की बात करें तो नवमांश कुंडली में भी सूर्य नीच राशि का है, तो इतने बड़े ग्रह का सपोर्ट ना मिले तो ऐसे में गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, और हालांकि देखा जाए शुक्र द्वितीय भाव में है, ये भी अच्छा है इनका, और मंगल अपनी राशि में हालांकि राहु के साथ में है, तो ये थोड़ा सा इंसान को गुस्सेल भी बनाता है। अब देखें यहाँ पर तो बुध इनकम के स्थान में बैठे हुए हैं मेन कुंडली में, बुध अपनी अच्छी राशि में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, और तो देखा जाए ओवरऑल एक ग्रह अपने में मजबूत है, मंगल का काफ़ी अच्छा पार्ट है इनका, मजबूत है। देखिए देखिए मंगल यहाँ पर इधर
सातवें घर का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होना, ससुराल पक्ष मजबूत होना, शादी पसंद की होना, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड भी बनता है इंसान का। और अब चलते हैं वर्षफल की ओर, देखें कि वर्षफल क्या बताता है इनका। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका बर्थडे आता है अक्टूबर में, तो हम अक्टूबर से इस बर्थडे से लेकर नेक्स्ट बर्थडे तक कैसा समय रहेगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मुंथा राशि फर्स्ट हाउस में है, तो जॉब के अच्छे योग बनेंगे, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे इनके जीवन में। और देखा जाए सूर्य बुध का घट्टे बैठे हैं, बुध आदित्य योग है, हालांकि सूर्य फिर से वही नीच राशि में ही है। वर्षफल में जहाँ पे बर्थ कुंडली में सूर्य होता वहीं वर्षफल में भी आएगा। तो और शनि यहाँ चौथे भाव में बैठा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत का कारक है। केतु भी बैठा है, तो ये थोड़ा सा झूठे इल्ज़ाम लगने से बचना चाहिए, किसी पर ब्लाइंड फेथ ना करें, नहीं तो बहुत दिक्कत परेशानी होती है। ऐसी मन को चंचल बनाएगा ये, आपका मन भटकेगा इधर से उधर उधर से उधर, तो ये थोड़ा सा चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। थोड़ा सा अपने मन को, जैसे कि चंद्रमा दिक्कत देगा तो आपको चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू करना चाहिए, जैसे कि आपकी दिक्कतें प्रॉब्लम ज़्यादा को रोक लग सके। अब देखिए ये था इस साल का, अब हम नेक्स्ट ईयर का देखते हैं, नेक्स्ट ईयर में हमें क्या दिखता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 2020 के बर्थडे से 21 तक के बर्थडे में इनके मुंथा राशि है बारहवें घर में, तो ये खर्चा करवाती है इंसान के, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होना, ये सब प्रॉब्लम्स दिलवाना। और देखा जाए तो बुध भी यहाँ पर बैठा हुआ है बारहवें घर में, तो ये सब खर्चों की निशानी है, तो थोड़ा सा इनको इस चीज़ से अलर्ट रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए केतु यहाँ पर आना, राहु का सातवें घर में आना, तो ये चीज़ें जैसे अगर आप कोई भी माइंड को डिस्टर्ब करना, माइंड को एक तरह से कि आप डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आना, ये सब चीज़ों को दिक्कत दिलवाता है, तो इस चीज़ के लिए इनको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं वो करें। शनि अपनी राशि में है तो शनि इनको हिम्मत साहस तो देगा ही, लेकिन फिर भी इनको किसी पर ब्लाइंड फेथ करने से बचना चाहिए। और ये था इनके कुंडली का एनालिसिस, तो होपफुली मैंने इनके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। अब हम चलते हैं इनके हाथ की ओर, देखें इनका हाथ क्या बताता है। अब देखिए इनके हाथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ से रेखा इधर से चली, एक तो चंद्रमा से चल रही है, दूसरी चीज़ गवर्नमेंट जॉब के लिए हमेशा हम हाथ में देखते हैं कि यहाँ पर रेखा एकदम साफ स्मूथ चलनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट जॉब एक बार लगी तो एकदम रेखा सीधी साफ स्वच्छ चले, 60 साल तक आपको इनकम लगातार मिलती रहे, तो ये ऐसा योग नहीं बन रहा है। यहाँ पर एक हमें कुछ इस तरह का हमें बॉक्स टाइप का बना हुआ दिख रहा है यहाँ से, ये तो ये कुछ बदलाव दिखाता है। बदलाव ज़रूर है ज़िंदगी में, लेकिन ये तरह तरह के और सोर्स ऑफ इनकम के बारे में दिखा रहा है, तो वो भी हम चीज़ देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसा जब होता है तो इंसान के पास दो सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं, ये देखिए ये यहाँ से, ये यहाँ से कोई और सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है, ये इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। ये कट है, ये कट चेंजेस के बारे में बताता है, यानी कि अगर हम देखें इनकी भाग्य रेखा को देखते हैं तो ये इनकी एज है 22 इयर्स। देखिए अच्छी खासी भाग्य रेखा चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एक अच्छे घर परिवार में जन्म लेना, एक अच्छे घर परिवार का साथ मिलना, सपोर्ट मिलना। यहाँ पर देखें तो 24 के आसपास कुछ खर्चे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हमने जन्मपत्री में भी देखा था, तो ये सब 23-24 पर काफ़ी खर्चे हैं। ये देखिए 28 के आसपास खर्चे, ये 30 के आसपास खर्चे, ये देखिए 32, ये कुछ चेंजेस भी हैं, कुछ खर्चे भी हैं। यहाँ से देखें तो 35 के बाद से काफ़ी अच्छी चीज़ें चलनी शुरू हो गई, और ये कुछ नया जीवन में 38 पे स्टार्ट कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे नौकरी लगने के योग हैं, नौकरी मिल जाएगी इनको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ पर भी नौकरी लगने के योग हैं। ये देखिए ये तो ये आगे जीवन में इस तरह से अपने जीवन की गाड़ी चलाते रहेंगे। ये देखिए तो ये कुछ डुअल इनकम सोर्स भी दिखते हैं, कुछ और आगे काम भी दिखाई देता है कि ये और यानी कि एक इनकम के सोर्स पर न टिकना, आगे तरह तरह की इनकम बनाना। यहाँ पर बुध रेखा भी इनके हाथ में अच्छी है, ये बुध रेखा बिजनेस भी करवाती है। कई बार होता है कि आप कोई ऐसा वर्क करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वाला, या कोई जैसे यहाँ से रेखा का निकलना तो आप वेबसाइट रिलेटेड वर्क करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, तो उससे भी आपका पैसे की इनकम के स्रोत बनना, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। आप जैसे कई बार क्या होता है कि इंसान कोई ऑनलाइन वर्क में जिसमें कमाई अच्छी होती है वो शुरू कर लेता है, तो उससे भी कमाई के जरिए अच्छे बन जाते हैं। कोई कंसल्टेंसी, कोई जैसे मैंने कहा वेबसाइट वर्क, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क, इससे भी इनको बहुत अच्छी इनकम होती है। और कई बार होता है कि जब विदेश से भी पैसा मिलने का योग बनता है, ये देखिए
कि जब चंद्रमा अच्छा है इनका तो विदेश से पैसा मिलने के योग भी बनते हैं, या आप होता है कि इंडिया में किसी विदेशी कंपनी का ऑफिस खुल गया वहाँ पे आप काम करने लगे, या आप ऑनलाइन पैसा आप कमा रहे हैं तो वो भी विदेशी कंपनियों से पैसा आता है तो वो भी आपको लाभ दे रहा है। तो इस तरह के लाभ आपके हाथ में ज़्यादा दिखते हैं। देखिए ये यहाँ से ये घर परिवार से दूर रह के पैसा कमाना, ये देखिए ये रेखा जब इधर आती है तो कई बार इंसान को विदेश का भी लाभ दिलवाती है, घर परिवार से दूर रह के पैसा कमाई करवाती है, दूर सेटल होने के योग बनाती है। तो ये इस चीज़ को दर्शा रही है। राहु भी इनका 12वें था तो इनको दूर सेट कराएगा। और इनके हाथ में एक तो ये देखिए ये प्रश्न हो गया इनका, और दूसरी चीज़ इनकी प्रश्न थी रिलेशनशिप को लेके, तो वो हम इनका देखते हैं। देखिए जीवन में इनके अगर हम देखें तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप का लाइंस बनी हुई हैं, तो जीवन में 2 या 3 रिलेशनशिप इनके बने रहेंगे। ऐसे में क्या होता है कि इंसान के वन साइडेड या कई बार होता है रिलेशनशिप टूट गया, और या आगे जीवन में रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करने में थोड़ा दिक्कत आई, ये सब चीज़ें कई बार आती हैं। लेकिन अगर हम शादी की एज की बात करें, जैसे कि हमने जन्मपत्री में देखा था, अभी हमारे इनके पास अभी टाइम है, यहाँ पर काफ़ी चेंजेस और खर्चे दिखते हैं, तो 28-29 के आसपास शादी के योग बनते हैं इनके। देखा जाए तो 27 और 28 के आसपास योग अच्छे बन रहे हैं शादी के, तो ये भी चीज़ इनके हाथ में दिखाई दे रही है। और चलिए बाकी हम हैंड में देखते हैं हमें क्या क्या दिखता है। अच्छा खासा रेक्टेंगुलर पाम है, पिंक कलर का पाम है इनका। रेक्टेंगुलर पाम वाले काफ़ी सोचते हैं, माइंड लाइन अच्छी होती है, काफ़ी चीज़ों को डेवलप करते हैं, इनोवेटिव होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इनके हैंड में देखें तो देखिए अपने मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करना, मस्तिष्क के बारे में अपने जीवन की ग्रोथ के बारे में काफ़ी कुछ सोचना, कुछ ना कुछ जैसे होता है इनोवेटिव करना, कुछ छोटा नहीं करने है, बड़ा करने की इच्छा होती है। यहाँ पर हाथ में देखें इनके तो ये देखिए ये राहु का क्षेत्र इनका काफ़ी मजबूत है, यानी धन की तिजोरी अच्छी खासी है, बैंक बैलेंस भी जीवन में अच्छा खासा बना लेंगे ये। और ये देखिए जीवन का ग्राफ की बात करें तो ये देखिए ऐसे लोग जब इतना स्लैंटिंग होता है, मैंने देखा ज़्यादातर 35 वर्ष के बाद जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है, बहुत जीवन में आगे बढ़ते हैं, काफ़ी आगे बढ़ते हैं, एक बहुत अच्छा नेम फेम भी पाते हैं। ये जीवन में इनिशियली स्ट्रगल कराएगा, लेकिन जैसे ये 35 वर्ष क्रॉस करते हैं जीवन में स्टेबिलिटी भी आती है, बहुत राइज करते हैं और बहुत बढ़िया ग्रोथ जीवन में पाते हैं। अब देखिए इनके हाथ में यहाँ पर देखें तो ये फिंगर इस तरह से टिल्टोरी है, ऊपर वाले में भी आस्था रखते हैं ऐसे लोग। और ये देखिए दोनों फिंगर्स को देखें तो सूर्य की फिंगर हल्की सी लंबी है, अपने टैलेंट और स्किल पे पैसा कमाते हैं। यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये फर्स्ट फेनेस तक आ रही है। ऐसे में क्या होता है, ये छोटी फिंगर फर्स्ट फेनेस तक आती है, काफ़ी टैक्टफुल होते हैं, दूसरों से कैसे काम करवाया जाए, कैसे अपना काम निकाला जाए, बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है, यानी ऑब्जर्वेशन पावर, हर चीज़ को बारीकी से रिसर्च करना, एनालाइज करना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, तो ये चीज़ इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। और हर चीज़ को जैसे सोच समझ के डिसीज़न लेना, बारीकी से डिसीज़न लेना, ये नहीं कि बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न ले लिया, नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं करते ये लोग। अब देखिए हाथ में इनके चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये देखिए बड़ा अच्छा चक्र का निशान है, गोल वाला चक्र। ये पढ़ाई के मामले में ऐसे लोगों को ज्ञान बहुत अच्छा होता है, कई बार होता है कि ऐसे लोग बहुत अच्छा नॉलेज बहुत अच्छा रखते हैं, अपने फील्ड की नॉलेज, अपने फील्ड से आगे भी कई सारे फील्ड्स की नॉलेज रखना, यानी कि जिस भी चीज़ पर बोलते होंगे तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन पावर दे पाते हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन पावर बहुत अच्छे होने के कारण बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हैं, यानी कि इनको सुनने का मन करे, इनके अंदर जैसे कहीं लेक्चर देना है तो बहुत ही बेहतरीन लेक्चर ये लोग दे पाते हैं। यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये भी चक्र का निशान है, तो जब भी शनि की फिंगर पर चक्र का निशान होता है, इंसान अपने जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, परेशानी आती है, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसा नहीं कि उनको व्यर्थ नहीं जाने देते, तो उनसे सीख के जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए ये इस तरह से ये भी शनि की फिंगर पर चक्र का निशान है। देखिए चक्र का निशान शनि की फिंगर पर होता है तो इंसान जीवन में अवश्य राइज करता है, भले ही हाथ में कोई बहुत अच्छा चिन्ह हो या ना हो, लेकिन जीवन में बहुत बड़ी तरक्की पाता है, यानी कि जब इंसान अपने आप को 60 साल की उम्र पर देखता है तब वो पाता है कि मैं आज से 40 साल पहले कि मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज मेरे पास
बहुत है, बेनतहा, यानी कि 4-5 लेवल गुना हो चुका होता है। एक ही लाइन इनको डिस्टर्ब कर रही है। देखिए ये सूर्य पे हमने देखा था कि थोड़ा वहाँ पर सूर्य वीक था, और ये चीज़, ये देखिए लाइन, यानी कि जैसे नेम फेम में दिक्कत आना, थोड़ा सा क्या होता है कि आपने काम करा तो तारीफ दूसरे ले जाते हैं, या दूसरों की गलती की सज़ा आपको मिलना, ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। यहाँ पर देखें तो ये भी देखिए चक्र का निशान है। जब भी ऐसा चक्र का निशान होता है तो इंसान अपने जीवन में, ये कहना चाहिए कि ऐसे लोग टैक्टफुल तो होते हैं, सेल्स मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा इनका रिस्पांस देख सकते हैं आप। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं, इंसान जीवन में अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत कुछ कर पाता है। कॉन्फिडेंस, बात को कहने का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। कब किसको किस समय क्या कहना है, कैसे काम निकलवाना है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ऐसे में क्या होता है, इनके अंदर एक जैसे बुध जो ग्रह होता है, कब अपना काम निकलवाने की टैक्टफुलनेस के साथ साथ सामने वाले को कन्विंस करने की पावर इनके अंदर बहुत अच्छी देखी जाती है। और इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होता है। कई बार होता है कि अगर आप, ये लोग जब जीवन में आगे जाके फाइनेंस के मामले में ये लोग बहुत अच्छी सलाहकार बनते हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं। ऐसा लगता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, पैसे से पैसा कैसे ग्रो किया जाए, इस तरह की इनका माइंड बहुत शार्प होता है इन सब चीज़ों में। इनकी चारों फिंगर में हमने देखा कि चक्र का निशान है, जो अपने आप में ही एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब चलते हैं इनके अंगूठे की ओर। देखिए अंगूठे पर भी अगर हम देखें तो ये चक्र का निशान बना हुआ है। तो जब भी ये चक्र का निशान अंगूठे पर होता है, चारों फिंगर्स को बल मिलता है, सारे प्लैनेट्स को बल मिलता है। होता क्या है कि जब ऐसा चक्र का निशान इंसान को जीवन में काफ़ी तरक्की दिलवाता है। अंगूठा देखिए, चाहे हम खाना खाने के लिए चम्मच पकड़ें, चाहे हम साइन करने के लिए पहन लें, अंगूठे की बहुत ज़रूरत होती है। ये निशान अपने आप में ही सारे पूरे हाथ को बल देता है। तो ये देखिए विल पावर का बहुत स्ट्रांग है, इनकी लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र थोड़ा सा वीक है, ये बल जी के देखिए थोड़ा कमज़ोर है, इस पर इनको वर्क करना चाहिए जिससे कि इनको अपने हाथ का भरपूर फायदा मिले। पीछे की ओर अंगूठा देखें बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो ऐसे में जो इंसान एक बार सोच लेता है, वो जज्बा, काम करने का जज्बा इनके अंदर बहुत देखा जाता है कि इन्हें जो सोच लिया उसे करके मानेंगे। तो थोड़ा सा अपनी प्लानिंग और लॉजिक पर वर्क करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनको मिल सकते हैं। तो हमने हाथ में देखा कि पाँचों उंगलियों में हमें चक्र के निशान दिखाई पड़े। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड में हमें कौन से चिन्ह दिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर फिर से चक्र का निशान है गुरु की फिंगर पर। तो ऐसे में जैसे कि मैंने राइट हैंड में भी हमने यही सिंबल देखा था, तो ज्ञान बहुत होना, चीज़ की नॉलेज बहुत, नॉलेज अपनी बहुत बढ़िया होना इनकी, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी से दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर भी देखें तो चक्र का निशान बहुत बढ़िया है, तो यानी कि जो भी दिक्कत परेशानी आती है उसको समझदारी से टैकल अप करना, उससे बहुत कुछ सीखना। तो हमने राइट हैंड में भी हमने यही सेम निशान देखे थे। देखिए ये एक नेगेटिव रेखा इनके हाथ में दिख रही है। ये क्या होता है कि जब आपने किसी के लिए कुछ भी अच्छा करा, उसके बावजूद उससे वो रेस्पॉन्स ना मिलना, आपको ताने मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें हाथ में, तो ये यहाँ पर भी सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान है, यानी जीवन में अच्छी बढ़ोतरी पाना, जीवन में काफ़ी करियर, काफ़ी राइज होना, करियर में बहुत ग्रोथ पाते हैं। यहाँ पर देखें तो ये देखिए यहाँ पर फिर से एक चक्र का निशान है बुध की फिंगर पर। तो बुध की फिंगर पर चक्र का निशान इंसान को, जैसे कि हमने कहा, टैक्टफुल तो बनाता ही है, साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, सेल्स मार्केटिंग में बहुत अच्छा बनाता है। ये देखिए यहाँ पर भी ये नेगेटिव रेखा, ये चीज़ का थोड़ा खास ख्याल रखें, सूर्य को जल देने की आदत डालें तो उससे भी इन रेखाओं का असर, नेगेटिव असर कम होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इनके अंगूठे को देखें तो यहाँ पर भी चक्र का निशान है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया चक्र का निशान हमें दिखता है। तो ये इनके हाथ में, ये देखिए, तो अंगूठा में जैसे कि हमने राइट हैंड में भी ये निशान देखा था, इंसान के हाथ को बहुत तगड़ा बल मिलता है। इनके दसों जो फिंगर्स हैं उनमें चक्र का निशान हमें दिखाई पड़ा। यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव रेखा, ये विल पावर को कमज़ोर कर रही है। अपने ऐसे लोग अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, परिवार का ध्यान भी बहुत रखते हैं, और जीवन में विशेष तरक्की पाते हैं, काफ़ी तरक्की पाते हैं। ऐसे चक्र के निशान जीवन में वेस्ट नहीं जाते। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यव का निशान यहाँ पर है। ये क्या होता है कि इस तरह के जब यव के निशान होते हैं, जीवन में सक्सेस थोड़ी देरी से आती है, लेकिन बहुत ह्यूज लेवल की सक्सेस ये लोग जीवन में पाते हैं। और अब देखिए दसों उंगलियों का समावेश निकालें तो दसों उंगलियों में ये 10 के 10 चक्र का निशान होना अपने आप में ही एक काफ़ी ब्राइट, एक काफ़ी हाथ को वजन दे देता है। हाथ जो है इंसान को, जैसे कहना चाहिए कि बहुत अच्छा फल दिलवाता है।
ऐसे लोगों का जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता, कोशिशें बेकार नहीं जाती, ऐसे लोग एक जॉब पे स्टक नहीं रहते, जीवन में बहुत कुछ करते हैं, बहुत एक्सप्लोर करते हैं, बहुत मल्टीपल चीज़ें जीवन में करते हैं, सिर्फ एक चीज़ तक लिमिटेड ये लोग नहीं रहते हैं। अब आते हैं इनके माउंट्स की ओर। देखिए एक चीज़ और बताएंगे, इनके हाथ में यहाँ पर ये तिल का निशान, जब भी ये तिल का निशान होता है इस तरह से शुक्र पर्वत पर, तो इंसान को जीवन में कभी ना कभी, अगर मेल है तो फीमेल द्वारा कभी ना कभी कोई बदनामी या कोई इस तरह का नुकसान सहन करना पड़ता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत वाली बात रहती है। हालांकि ये तिल ब्राउन कलर का है तो लाइट ब्राउन है, तो ये थोड़ा सा इसका इफेक्ट कम हो जाता है, लेकिन जीवन में अवश्य एक बार कोई ना कोई फीमेल द्वारा मानहानि धनहानि होती है। तो अगर ये हाथ, यही चीज़ अगर किसी फीमेल के हाथ में है तो मेल द्वारा परेशानी जीवन में फेस करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये गुरु पर्वत इनका काफ़ी अच्छा बड़ा गुरु पर्वत है, और यहाँ पर देखें तो ये छोटी सी एक रेखा, ये गुरु वलय बन रहा है। तो जीवन में ऐसे लोग कई बार होता है कि आप दूसरों की मदद करने की काफ़ी इच्छा रखते हैं, दूसरों की मदद करने की, एक सॉफ्ट हार्टेड होना, मदद करने की इच्छा रखना, इस तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। गुरु पर्वत हालांकि थोड़ा सा दबा हुआ है देखा जाए तो कई बार होता है कि इंसान थोड़ा परिवार से दूर रहता है तो, या दूर रहना पड़ता है जीवन में, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ये लोग उनको मिस करते हैं, ये चीज़ दिखाई पड़ती है। अब हाथ में देखें तो गुरु का लेकिन फैलाव अच्छा है, तो जैसे पारिवारिक सपोर्ट अच्छा मिलना, परिवार से बहुत लगाव मिलना, ये सब चीज़ें भी हैं। ये देखें यहाँ पर अगर हम देखें इनके, देखिए दो स्क्वायर हैं, ये जब भी इस तरह के दो स्क्वायर होते हैं एक पॉम्प एंड शो वाली लाइफ जीते हैं ऐसे लोग, यानी कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, या ऐसे लोग होता है कि जीवन में चाहे कितना ही कम हो, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, लेकिन रहन सहन बहुत बढ़िया होता है इनका, रहन सहन बड़ा अच्छा स्टैंडर्डाइज्ड वाला होता है। एक कहना चाहिए मोबाइल होगा तो बढ़िया वाला होगा, कपड़े होंगे तो एक से एक अच्छे होंगे, इनके पास पहनने ओढ़ने की, खाने पीने की कभी दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, ये एपेक्स का चिन्ह, देखिए ये एपेक्स का चिन्ह इंसान को ये नॉलेज टाइम टू टाइम अपडेट करके रखता है, इंसान को अपने होता है कि क्षेत्र में मुझे सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर दिखना है, इस तरह की फीलिंग दिलवाता है। यहाँ पर देखें शनि पर्वत इनका ना दबा है ना उभरा है, तो ये स्थिति अच्छी रहती है। और ये देखिए ये ईश्वर शक्ति का हाथ भी दिखाता है एपेक्स का चिन्ह। और क्या होता है जब शनि इस तरह से ना दबा हो ना उभरा हुआ हो तो इंसान फ्री माइंड रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी अपने दिमाग में नहीं पालता वो, और टेंशनें आती भी होंगी तो समय के साथ निकल जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो भाग्य रेखा का सपोर्ट भी हेल्प बना रहेगा, ओल्ड एज में भी दिक्कत नहीं रहेगी। और यहाँ पर देखें तो ये सूर्य रेखा ही इस तरह से लंबी सूर्य रेखा है, ये देखिए इतनी लंबी सूर्य रेखा है, भाग्य रेखा ये देखिए इस तरह से चल रही है, भाग्य रेखा को टच कर रही है, ये देखिए बुद्ध रेखा ये इस तरह से बुद्ध रेखा को टच कर रही है। तो जब भी इस तरह का ये देखिए बुद्ध रेखा यहाँ भाग्य रेखा को टच करे, सूर्य रेखा टच करे, अर्ली एज में नेम फेम मिलता है, साथ में जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा अवश्य करते हैं। ये देखिए बार बार चेंजेस आना है, ये बार बार चेंज करवाएगा, एक जगह नहीं टिक पाएंगे। चंद्रमा है इनके, हमने देखा था दसवें घर का स्वामी, तो एक प्रोफेशन तक नहीं रहेंगे, अलग अलग प्रोफेशन में ये हाथ डालेंगे और सक्सेस भी पाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये मेन जो नेम फेम शुरू होगा वो 35 के बाद से इनको बहुत बढ़िया नेम फेम मिलना शुरू होगा। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंसेज है, देखिए ये सब नेगेटिव रेखा, ये सब ये अननेसेसरी टेंशंस, तो ये जब शनि की 7:30 आती है अननेसेसरी टेंशंस नेगेटिविटी इस तरह से करवाती है, काम नहीं बनने देती। देखिए सूर्य रेखा के क्षेत्र पर ये ऐसे सिम्बल्स डिस्टर्ब कर रहे हैं तो रेखा फुल फ्लैशली असर नहीं दिखा पाती। ऐसे में जैसे मैंने जो उपाय बताए जन्मपत्री में, वो उपाय करें तो उससे लाभ मिलेगा इनको। अब यहाँ पर देखें तो सूर्य का पर्वत थोड़ा दबा होना, पिता से मतभेद, दूरी, इस तरह की चीज़ें, और ये इनहेरिटेंस का योग भी, यानी कि पुश्तैनी जायदाद मिलना। बुद्ध पर्वत देखें तो बुद्ध पर्वत अपने में अच्छा खासा है, बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करना। और ये देखिए ये छोटी छोटी रेखाएं, बोलने की क्षमता अच्छी होना, यानी कि आप अपनी बात अच्छे से कह पाना, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। ये देखिए ये रेखा कितनी लंबी अच्छी रेखा है, बुद्ध रेखाएं इतनी लंबी लंबी हों तो इंसान कोई ना कोई बिजनेस करता है, कोई ना कोई कंसल्टेंसी, इस तरह की चीज़ें अपना काम करता है जिसमें वो बहुत अच्छी सक्सेस भी पाता है। तो ये पहले शुरू में नौकरी करेंगे, उसके बाद अपने काम की ओर चलने लगेंगे। यहाँ पर देखें तो
ये मंगल पर्वत है, अच्छा खासा है, रिस्क टेकर बनाता है, हिम्मती और साहसी बनाता है, अंदरूनी मंगल भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे में इंसान के पास प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया होती है। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होना, अंदरूनी मंगल स्ट्रांग हो तो इंसान जीवन में कहना चाहिए बहुत दिल से भी बहुत स्ट्रांग होता है, कोई भी प्रॉब्लम देखे जल्दी हिम्मत नहीं हारते। यहाँ पर देखें तो ये चंद्रमा भी अच्छा खासा है, और जैसे कि रेखा यहाँ से निकलना तो फीमेल का जीवन में काफ़ी पार्टिसिपेशन, फीमेल लक से बहुत बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और ये देखिए यहाँ से भी रेखा का निकलना, जैसे कि हमने बताया था कि ये दूर रह के तरक्की मिलती है। एक ये मछली का निशान इनके यहाँ पर है, तो ये देखिए मछली का निशान जब यहाँ पर हो इधर साइड में, तो ये चीज़ जीवन में अनएक्सपेक्टेड गेंस देती है और तरक्की दिलाती है। कभी भी होता क्या है कि आप सोच रहे हैं कि आप मेरा कोई काम नहीं बनेगा, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अचानक से एकदम दौड़ते हुए आपका सारा काम बन जाएगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब शुक्र पर्वत देखें, अच्छा खासा शुक्र पर्वत है इनका, तो जीवन लाइफ लग्जरियस होना, कोई एक तरह से महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, एक से एक बढ़िया फैंसी चीज़ें ऐसे लोगों को लुभाती हैं। और ऐसे लोग कहीं भी जाते हैं बड़े अच्छे से तैयार व्यार होकर जाना, पार्टी करने का शौक होना, एक अच्छी सजावट की चीज़ें, एक कहना चाहिए कि ऐशो आराम की चीज़ें बहुत लुभाती हैं। ऐसे लोगों के अंदर कभी कभी होता है कि मेरे को अगर बहुत पैसा आ जाए तो मैं अपने लिए पता नहीं क्या कर लूँ, इस तरह की चीज़ें भी इनके अंदर देखी जाती हैं। और दूसरों से को बहुत लव केयर अफेक्शन शो करना, यहाँ पर देखिए इस तरह की रेखा आना, ये गाइडिंग लाइंस जीवन में दो लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट बने रहना। अब आते हैं इनके हाथ की रेखाओं की ओर, देखें रेखाएं क्या, देखिए हाथ में अगर हम देखें तो ये रेखा राहु रेखा का बहुत ज़्यादा असर ये दिख रहा है, ये डिस्टर्बेंस हमने ऐसी देखी, यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस देखा था इनकी भाग्य रेखा पर। ये देखिए अगर हम देखें तो ये देखिए 20-22 वर्ष के आसपास डिस्टर्बेंस है, ये हो सकता है 7.5 की वजह से डिस्टर्बेंस हो। अगर हम देखें तो फिर उसके बाद जो डिस्टर्बेंस आ रहा है 24 वर्ष के आसपास, फिर 27 के आसपास, 30 के आसपास, 32-35 के आसपास, ये लगातार रेखा है ही। राहु रेखा के लिए इनको कुत्तों को बिस्किट खिलाना चाहिए, कुत्तों को बिस्किट खिलाने से इन रेखाओं का असर कम होता है, काफ़ी हद तक नलीफाई हो जाती हैं। 6-8 महीने इसको करें या लंबे समय तक भी कर सकते हैं इसको, लंबे समय तक, बल्कि मैं कहूँगी लंबे समय तक करें तो ये राहु रेखाओं का असर जो है धीरे धीरे कम हो जाए, क्योंकि ये इनको 35 वर्ष तक थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी, तो अगर ये इस उपाय को करेंगे तो ये इनका असर धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होने लगेगा और जो अच्छी लाइन्स का इफेक्ट भी इन्हें जीवन में मिलने लगेगा। इनके हाथ में देखें तो ये उन्नति की रेखा भी है, ये देखिए ये छोटी छोटी रेखा, ये तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये 25 वर्ष के आसपास से काफ़ी अच्छी उन्नति मिलना, एक रेखा यहाँ पर भी है 23 वर्ष के आसपास से भी है, और ये देखिए 28, 30, 32, 34, 36 इस तरह से उन्नति मिलती रहेगी और जीवन में आगे बढ़ोतरी होती रहेगी। अच्छी खासी बढ़ोतरी मिलती रहेगी, और देखिए आगे भी दूर से पैसा कमाने के, विदेश से पैसा कमाने के योग भी दिखते हैं, ऐसा लगता है किसी दूर जगह से जाके पैसा कमा के आना, और लाइफ लाइन एकदम साफ स्वच्छ चल रही है। यहाँ पर ये मैंने बता ही दिया था भाग्य रेखा के बारे में, अब मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। देखिए मस्तिष्क रेखा कितनी डिस्टर्ब है, जब मस्तिष्क रेखा इतनी डिस्टर्ब हो तो सरकारी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलने के बाद तो इंसान फुली रिलैक्स हो जाता है, उसको लगता है कि अब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं लेनी, लेकिन देखिए यहाँ पर ये देखिए ये कितना ज़्यादा डिस्टरबेंस है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जीवन में जैसे हमने ये भाग्य रेखा पर डिस्टरबेंस देखा, ये सब डिस्टरबेंस देखा तो स्ट्रेस लेकर आता है। जब इंसान को देखिए क्या होता है कि अपने प्रोफेशन में दिक्कत हो, पारिवारिक समस्या, ये बार बार समस्याएं चलें तो इंसान का मन भी दुखी होता है, मन परेशान रहता है, ये देखिए ये स्ट्रेस लेकर आता है, आप स्ट्रेस देखते हैं जीवन, ये देखिए ये इस तरह के आइलैंड के चिन्ह, ये 7.5 को इंडिकेट करते हैं, तो ये सब डिस्टरबेंसेज जब होते हैं, तो जो मैंने उपाय बताए हैं ये राहु रेखा वाले, ये उपाय करें, इससे भी इनका जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 35-37 से पीरियड बहुत अच्छा है, रेखा एकदम साफ स्वच्छ हो रही हैं, और अगर हम देखें 40 तक आते आते इनके जीवन में कोई ऐसा बड़ा चेंज आएगा कि जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे 40 के आसपास, बल्कि कहीं 38-40 पर तो कुछ ना कुछ बड़ा जीवन में होना, कुछ ना कुछ ऐसा मौका मिलना कि जिससे इंसान की जीवन की ग्रोथ बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये चीज़ भी इनके हाथ में दिख रही है।
अब आते हैं हृदय रेखा पर। देखिए हृदय रेखा इस तरह से जा रही है दोनों पर्वतों के बीच। परिवार को बहुत प्यार करना, परिवार के लिए बहुत कुछ करना, इस तरह की सोच वाले व्यक्ति होते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा ये इस तरह की ये जंजीर नुमा हो रही है। तो जब जंजीर नुमा रेखा होती है तो इंसान को वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कई बार आप दूसरे को सामने वाले को बहुत प्यार करते हैं, किसी रिलेशनशिप में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वहाँ से धोखा मिल रहा है या वहाँ से आपको ताने मिल रहे हैं, इस तरह का प्रॉब्लम कई बार आता है। या बातों को जल्दी दिल पे ले लेना, इस तरह की स्वभाव दिखता है। अब इनके हाथ में चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर। देखें लेफ्ट हैंड क्या बताता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो गुरु अच्छा है इनका, शनि भी अच्छा है और सूर्य देखिए थोड़ा दबा हुआ है और ये बुध भी अच्छा है। सूर्य पर्वत पर देखते हैं हालांकि हाथ में यहाँ पर शुक्र वलय है। देखिए शुक्र वलय ऐसे में इंसान को किसी अच्छे घर परिवार में जन्म दिलाता है, पेरेंट्स को मॉनेटरी मतलब पैसे रुपए का फ़ायदा कराता है। ऐसे लोग लाइफ तो लग्जरियस जीते ही हैं, साथ में अपने परिवार वालों को भाग्य देते हैं। यानी कि अपने माता पिता जब जन्म लिया माता पिता को भाग्य मिलना, भाई बहनों को भाग्य मिलना, शादी के बाद पत्नी को भाग्य मिलना, बच्चों को भाग्य मिलना, इस तरह से भाग्य देते हैं। यहाँ पर देखिए बुध रेखा कितनी ज़बरदस्त चल रही है। देखिए ये रेखा, ये शनि जो सूर्य रेखा, ये भी इस तरह से आके ये त्रिशूल नुमा निशान बना रही है। हाथ को काफ़ी बल मिला हुआ है, मामूली हैंड नहीं है ये। जो चक्र दसों में चक्र का निशान होना, ये इस तरह से ये देखिए ये त्रिशूल का निशान होना, ये अपने आप में ही हाथ को बहुत ज़बरदस्त मजबूत बना रहा है। देरी है तो समय की, क्योंकि इनके हाथ में जब शनि की जो साढ़े साथी हमने देखी तो वो नेगेटिविटी फैला रही है। देखिए ये सब नेगेटिविटी, कट्स क्रॉसेस, ये काम नहीं बनने देती है। तो जो उपाय बताएं वो उपाय का, देखिए ये सब ये छोटी छोटी रेखाएं ये डिस्टर्ब करती हैं। इनके हाथ में अगर हम देखें तो मंगल पर्वत भी अच्छा है इनका, दोनों मंगल बढ़िया है इनके। देखिए चंद्रमा बहुत अच्छा है, शुक्र बहुत बढ़िया है। ये यहाँ से ये देखिए मस्तिष्क रेखा काफ़ी डिस्टर्ब है, ये इस तरह की डिस्टर्ब मस्तिष्क रेखा है। हर कि ऐसे लोगों का माइंड काफ़ी एक्सप्लोर कर जाता है। ये देखिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे बड़ा इनोवेटिव, कुछ ना कुछ छोटा नहीं करते ऐसे लोग जीवन में, कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। उसके लिए देखिए स्ट्रगल्स भी होते हैं जीवन में, थोड़ी दिक्कतें परेशानियाँ आती है, लेकिन समय के साथ अपने आप को प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर हम हैंड देखें इनका तो ओवरऑल हैंड काफ़ी बढ़िया है। लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश माता पिता से मिलती है, राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद बनाते हैं। तो लेफ़्ट हैंड इनका काफ़ी अच्छा है, राइट हैंड भी बहुत बढ़िया। राइट हैंड में हमने एक नीचे फिश का निशान भी देखा था और चक्र तो दोनों हाथों में ही इतने बढ़िया। ऐसे में अगर हम देखा जाए तो बहुत अच्छा फल जीवन में मिलेगा। गिविंग और प्रॉमिसिंग हैंड्स हैं ऐसे लोग। जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं, बड़ा इनोवेटिव सोचते हैं, छोटी चीज़ों के लिए नहीं बने होते ऐसे हैंड। और इनके हाथ में जिस तरह के लक्षण हैं, रेखाएं का देखी हमने और त्रिशूल के चिन्ह देखा हमने, इतना बड़े बड़े त्रिशूल तीनों रेखाओं से बन रहे हैं, तो ये जीवन में ऐसे लोग बहुत कुछ बड़ा करते हैं। यानी कि नौकरी करी, बिजनेस करा और भी कई कई तरह की मल्टीपल चीज़ें करते हैं और जीवन में अपने आप को प्रूफ करके दिखाते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा कमाते हैं, ग्रोथ पाते हैं। लाइफ इनकी लग्जरियस तो रहती ही है, साथ में रिश्तेदारों में मान सम्मान, नेम फेम पाना, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो काफ़ी बढ़िया हैंड है, हम देखें देखा जाए तो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का हैंड है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनके जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, जीवन में खूब बढ़ोतरी करें, खूब सक्सेस पाएँ और जो कोई दुख परेशानी हो वो दूर हो और जो हमने उपाय बताएँ वो अवश्य करें। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।